नागपुर शहर के जाने माने गैंगस्टर संतोष आंबेकर के जेल में रहते अब उसी के साथी शहर में लोगों को धमका कर डर पैदा कर लोगों के बीच अपना दबदबा बनाने की कोशिश करने लगे हैं। पर पुलिस ने इनका गैंगस्टरों का सफाया करने की ठान ली है, जिसके चलते गैंगस्टर संतोष आंबेकर के भांजे शैलेश केदार को लकड़गंज पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर आज मंगलवार को सेंट्रल जेल से गिरफ्तार करेगी। बता दें कि शैलेश ने खुद सोमवार को अचानक न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था। जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर संतोष आंबेकर का भांजा शैलेश केदार ने अपने चार साथियों के साथ अमित मोझरकर से 5 लाख रुपए का हफ्ता मांगने और गोली मारने की धमकी देने के बाद से फरार हो गया था। पीड़ित से आरोपी शैलेश के और उसके साथियों ने एरिया में रहने देने के बदले में 5 लाख रुपए का हफ्ता मांगने और पैसे नहीं देने पर व आंबेकर के खिलाफ बोलने पर गोली मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने इस मामले में घटनास्थल व आसपास के परिसर से सीसीटीवी फुटेज जब्त किए हैं, जिसमें आरोपियों की करतूत सामने आई हैं, जिसके बाद शैलेश केदार और उसके साथियों पर एक दर्जन से अधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। गैंगस्टर संतोष आंबेकर के साथ जुड़े कई उसके साथी अभी जेल से बाहर हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को क्राइम ब्रांच के कार्यालय में संतोष आंबेकर के गैंग के करीब 11-12 साथियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जबकि शैलेश ने खुद सोमवार को अचानक न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। पर शैलेश केदार को लकड़गंज पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर आज मंगलवार को सेंट्रल जेल से गिरफ्तार करेगी। सदर गुन्हा हा लकड़गंज पोलीस स्टेशन अंतर्गत दाखल करण्यात आलेला आहे। याच्यात जो आरोपी आहे शैलेश केदार याने फिर्यादी जो आहे माजुरकर याला तो घराजवळ बसला असताना रात्री जाऊन तो मारहाण केली आणि धमकी दिली आणि त्यानंतर तो आपल्या साथीदारांसोबत तिथून निघून गेला। अशा प्रकारे तक्रार फिर्यादीने दिलेली होती। त्याच्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये खंडणीचा रायटचा आणि आर्म्स ॲक्टनुसार गुन्हा दाखल केला आहे पोलीस स्टेशन लकडगंज येथे शैलेश केदार आणि त्याचे इतर अज्ञात साथीदार यांच्या विरोधात। आणि त्यानंतर आरोपी शैलेश केदार याच्यासाठी आपला शोध सुरू होता आणि सदर शोध सुरू असताना काल त्याने दुपारी GMFC कोर्ट येथे सरेंडर केलेला आहे आणि कोर्टाने त्याला सध्या जेल पास दिलेला आहे। तर सदर आरोपीचा आपण या गुन्ह्यामध्ये ताबा घेणार आहोत आणि त्याच्यामध्ये अजून अधिक ती चौकशी आपण करणार आहोत। त्याच्यामध्ये नक्कीच शैलेश केदार हा 2019 एका गुन्ह्यामध्ये फरार होता, तर त्या गुन्ह्यात पण त्याचा ताबा घेण्यात येईल, त्याची पण चौकशी करण्यात येईल आणि सध्या जो गुन्हा आहे त्याच्यात पण ताबा घेण्यात येईल आणि हा गुन्हा करताना त्याचे इतर साथीदार कोण होते सोबत यांचेसुद्धा सदर चौकशीमध्ये नावं निष्पन्न करण्यात येतील आणि त्यांच्याविरुद्ध कडक कारवाई करण्यात येईल। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षय अंसारी BCN न्यूज नागपूर।